हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच स्केल लर्निंग। हम कोर्स पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इन सी प्लस प्लस। उसमें हमारा अभी टॉपिक है फंक्शंस। हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शंस सी प्लस प्लस में क्या होते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं, उनका फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो फंक्शंस होते हैं, आप कोई भी कोड डायरेक्ट मेन के अंदर भी लिख सकते हैं और आप फंक्शंस के अंदर भी लिख सकते हैं। वही कोड अगर आप मेन के अंदर करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप दो दो नंबर्स को जमा करते हैं मेन के अंदर और उनका आंसर प्रिंट कर देते हैं, आप यही सारा कोड उठा के एक फंक्शन के अंदर रख सकते हैं। अब फंक्शंस का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कोड है वो मेन के अंदर पॉपुलेट नहीं करता, बल्कि सेपरेट उसके फंक्शंस बन जाते हैं और जब चाहते हैं आप किसी भी फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो इससे कोड की यूजबिलिटी और पोर्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो फंक्शन असल में इस तरह की चीज़ होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये कोई काम करता है। मिसाल के तौर पर ये इसके अंदर कोई भी काम होता है, आप फंक्शन को कोई वैल्यू पास भी कर सकते हैं और फंक्शन आपको कुछ रिटर्न भी कर सकता है। कि आप वो सारा कोड जो आप मेन के अंदर करते हैं, आप वो सारा कोड जो मेन फंक्शन के अंदर करते हैं, यहाँ पे आप वही सारा कोड उठा के इसके अंदर लिख सकते हैं और सिंपली आप मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉल इसको जाती है तो यहाँ पर सारा कोड एग्जीक्यूट होता है। फंक्शंस की फंक्शन के पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ पार्ट्स होते हैं, फंक्शन लिखने के कुछ पार्ट्स होते हैं फंक्शन के। फंक्शन में होता है कि सबसे पहले इस दरमियान में आता है फंक्शन का नेम। यहाँ पे फंक्शन का नेम आता है, ये फंक्शन नेम। फंक्शन नेम से पहले उसकी रिटर्न टाइप आती है। फंक्शन के नेम से पहले उसकी रिटर्न टाइप आती है, ये मैं अभी बताता हूँ कि रिटर्न टाइप क्या होती है। और फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स होती हैं और इसके अंदर जो होते हैं वो आर्गुमेंट्स आपके पास होते हैं। इसके अंदर आपके आर्गुमेंट्स जाते हैं, अगर आपके आर्गुमेंट्स जाने हो तो, ऑप्शनल होते हैं। और ये फंक्शन की बॉडी होती है, यहाँ पर सारा फंक्शन का कोड होता है। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें होता है क्या, आपका ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन का नेम है जो आपने फंक्शन का नाम रखना है जिससे उसका हम कॉल करेंगे। ये फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है कि फंक्शन कुछ रिटर्न क्या कर रहा है। फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर सकते हैं, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं भी कर सकते। तो दो तरह के फंक्शन होते हैं। अगर फंक्शन कुछ रिटर्न ना कर रहा हो, अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो उसकी टाइप होती है वॉइड। और अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो फिर हम देखते हैं कि फंक्शन अगर कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसकी टाइप होती है इंट। अगर फंक्शन कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसकी टाइप होती है फ्लोट। अगर फंक्शन कोई करैक्टर रिटर्न कर रहा है तो उसकी टाइप होती है करैक्टर, एंड सो ऑन। यहाँ पर आ जाता है फंक्शन का नाम और इसके आगे पास होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट्स पास भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो जो ये वाली चीज़ होती है ये आपकी ऑप्शनल होती है। आप कुछ अगर आपको ज़रूरत है आप आर्गुमेंट पास भी कर सकते हैं फंक्शन में, जिनको रिसीव करके वो अंदर कुछ वर्किंग करता है, या आप नहीं भी पास कर सकते। तो ये फंक्शन के पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं फंक्शन के। एक फंक्शन का नेम होता है, एक फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, और थर्ड वन फंक्शन के आर्गुमेंट्स होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। ये पैरेंथेसिस जो हैं ये लाजमी आती हैं, उसके अंदर ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। अच्छा, फंक्शन की कुछ टाइप्स होती हैं। फंक्शन डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शन, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक फंक्शन है। कुछ फंक्शन होते हैं जो ना कुछ रिटर्न, ना कुछ रिसीव करते हैं और ना कुछ रिटर्न करते हैं। दूसरी तरह के फंक्शन वो होते हैं जो कुछ जो कोई पैरामीटर्स रिसीव करते हैं लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करते। थर्ड टाइप ये होती है कि फंक्शन कुछ होते हैं जो कुछ रिसीव नहीं करते लेकिन वो वैल्यू को रिटर्न करते हैं। और फोर्थ टाइप ये है कि इस तरह के फंक्शन होते हैं जो कुछ रिसीव भी करते हैं और जो कुछ रिटर्न भी करते हैं। तो ये चार टाइप होती हैं फंक्शंस की। फंक्शन ऐसे होते हैं कि आप इसके अंदर सारा कोड लिखते हैं और आप कुछ रिटर्न नहीं करते। इन सब की एक एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, इनसे आपको आइडिया होगा कि ये फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। कोड एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। जैसे कि फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, फर्स्ट टाइप में वो फंक्शन होते हैं जो कोई आर्गुमेंट भी नहीं लेते, जिसमें कोई आर्गुमेंट भी नहीं होता और वो कुछ रिटर्न भी नहीं करते। आप देखिए इसकी एग्जांपल, मैं आपको इसका पूरा कोड भी बताता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इसकी एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैंने एक फंक्शन लिखा,
उस फंक्शन का नाम रख लेते हैं हम डिस्प्ले, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, और फंक्शन के नाम से पहले इसकी जो होती है रिटर्न टाइप आती है। अब जैसे कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो अगर फंक्शन कुछ रिटर्न ना कर रहा हो तो इसकी टाइप होती है वॉइड, और ये कुछ आर्गुमेंट भी नहीं ले रहा तो इसमें हम कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये तो फंक्शन का एक सिग्नेचर बन गया। इसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई कोड लिखा है, मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ये एक फंक्शन बन गया। अब ये एक फंक्शन है, ये एक सेपरेट फंक्शन है, और ये उस वक्त तक कॉल नहीं होता जब तक इसको कहीं से कॉल किया नहीं जाता। अब अगर मैं कोई मेन मेन फंक्शन लिखूं, जो हमारा कॉमन कॉमन एक फंक्शन होता है मेन, मेन तो लाजमी बात है हर कोड में होता है। इसके अंदर मैं इसको अगर कॉल करूं, तो इसको कॉल करने का तरीका ये होता है कि जैसे कि अगर हमने किसी पर्सन को कॉल करना हो तो हम उसका नाम नाम कॉल करते हैं। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करना, तो इस फंक्शन का जो नाम है डिस्प्ले, मैं इसको कॉल करूंगा, इसका नाम लूंगा डिस्प्ले। इसका नाम लेने से जो कंट्रोल होगा वो इसके पास आ जाएगा और यहाँ पे ये काम होगा। तो ये इस तरह का एक फंक्शन है जिसके अंदर ना कोई आर्गुमेंट आता है और ना ये कुछ रिटर्न करता। तो ये फर्स्ट टाइप है जिसमें ना कोई आर्गुमेंट होता है और ना कुछ रिटर्न होता है, कि इसमें कोई आर्गुमेंट भी नहीं आ रहा और यहाँ पे कुछ इसका रिटर्न भी नहीं हो रहा। दूसरी टाइप के फंक्शंस वो होते हैं जिसमें कुछ आर्गुमेंट नहीं आता, जिसमें कुछ आर्गुमेंट नहीं आता लेकिन वो फंक्शन रिटर्न करते हैं, वो फंक्शन रिटर्न करते हैं। अब एक फंक्शन लिख लेते हैं, ऐसा फंक्शन का नाम हम लिख लेते हैं function1, नाम तो कोई भी आ सकता है। फंक्शन के नाम से पहले इसकी रिटर्न टाइप आती है। अब देखिए ये फंक्शन ऐसा है जो कुछ रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी इंट, और क्योंकि ये कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा तो इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं आएगा। तो ये फंक्शन है। अब जैसे कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, जो फंक्शन ने कुछ रिटर्न करना हो तो हम उसको लिख देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं रिटर्न, और आगे वो वैल्यू लिख देते हैं या वो चीज़ लिख देते हैं जिसने रिटर्न होना है। यहाँ पे क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, कि ये एक अब ऐसा फंक्शन बन गया जो कुछ आर्गूमेंट नहीं ले रहा लेकिन वो रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमने उसकी टाइप रख दी है इंट, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और इसके अंदर आके रिटर्न कर दिया हमने 4 इंटीजर वैल्यू, क्योंकि ये फंक्शन 4 वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है वापस जहाँ से कॉल हुआ है वहाँ पे, इसलिए हमने इसकी टाइप रख दी है इंट। अगर ये फ्लोट नंबर रिटर्न कर रहा होता तो हम टाइप रख देते फ्लोट, अगर ये करेक्टर रिटर्न कर रहा होता तो हम इसकी टाइप रख देते करेक्टर। तो ये तो दूसरी टाइप है फंक्शन की, इसको भी हम मेन में ऐसे ही कॉल कर सकते हैं, जैसे कि मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हम इसको भी ऐसे ही कॉल कर सकते हैं, function1 इसका नाम है और इसके नाम से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा तो कॉल करते हुए भी हम इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। थर्ड टाइप होती है फंक्शन की, जिसमें जो आर्गुमेंट, जिसमें आपका आर्गुमेंट पास होता है, आर्गुमेंट पास होता है लेकिन वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहे होते। अब देखिए अभी फर्स्ट केस ऐसा आया जिसमें हम आर्गुमेंट रिसीव करेंगे फंक्शन के अंदर, फंक्शन का नाम, इस फंक्शन का सिग्नेचर लिख लेते हैं, ये फंक्शन का नाम लिख लेते हैं function2। अब इसके ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, पहली चीज ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो अगर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो उसकी जो जो रिटर्न टाइप होती है जो फंक्शन के नाम से पहले आती है रिटर्न टाइप, वो होगी void। void means nothing। ये फंक्शन का, ये फंक्शन की रिटर्न टाइप आ गई, ये फंक्शन का नाम आ गया, इसके आगे ये आर्गुमेंट्स होते हैं। अब क्योंकि ये आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है तो इसके अंदर आर्गुमेंट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक इंटीजर नंबर रिसीव कर रहा है इंट, और इसके में हम रिसीव कर लेते हैं एक वेरिएबल में ए में। इस आर्गुमेंट में आर्गुमेंट लिस्ट हो सकती है, ये आप एक से ज़्यादा आर्गुमेंट भी रिसीव हो सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल ये है कि एक आर्गुमेंट रिसीव होगा तो इसके अंदर ये आर्गुमेंट आ जाएगा ए, मतलब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो अपने साथ कोई एक वैल्यू लेके आएगा जो ए में स्टोर हो जाएगी, और इस फंक्शन के अंदर आ जाएंगे हम। फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू आ गया ए, हम उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी आउट कर देंगे हम ऊपर से जो वैल्यू रिसीव हुई है हमारे पास उसको। तो ऐसा करने से ये एक ऐसा फंक्शन बन गया जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा और इसका नाम है function2, और इसमें एक वैल्यू आ रही है ए, इसमें एक आर्गुमेंट पास हो रहा है ए। ए जब इसके अंदर आ जाएगा तो ए इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा। तो ये ऊपर से आया, कोई भी वैल्यू आई इसमें और हमने यहाँ पे आके इसको इसको प्रिंट कर दिया।
अब जैसे अब इसको मेन में अगर हम कॉल करेंगे तो मेन में इसको हम ऐसे कॉल कर सकते हैं, हम लिख देंगे फंक्शन, इसका नाम लिखेंगे, इसके नाम से कॉल होगी फंक्शन टू, और हम इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे। इसमें फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट पास किया मैंने 6, तो ऐसा करने से जो कंट्रोल होगा वो फंक्शन टू के पास चला जाएगा और साथ जो 6 वैल्यू है ये 6 वैल्यू इसके अंदर ले ले आएगा ए के अंदर। इसमें 6 वैल्यू भेजी है और यहाँ पर 6 वैल्यू रिसीव करने के लिए ए है, तो यहाँ पर ए के अंदर 6 वैल्यू रिसीव हो जाएगी 6, और जब इस फंक्शन के अंदर आएंगे हम तो ये जो ए जिसमें 6 आया ऊपर से, इसमें 6 आया ऊपर से, तो वो जो ए होगा वो कंसोल पे आपका प्रिंट हो जाएगा। और फोर्थ टाइप फंक्शंस की वो होती है जिसमें फंक्शन कुछ आर्गुमेंट भी ले रहे होते हैं और फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर रहे होते हैं। अब इस तरह के फंक्शन में भी इसी तरह से होता है कि अगर ये कुछ फंक्शन का नाम लिख लेते हैं, सबसे पहले फंक्शन 3 इसका नाम रख लेते हैं, इस ये कुछ रिटर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी इंट, और ये कुछ आर्गुमेंट भी ले रहे हैं तो इसके आगे हम वो मिसाल के तौर पर अगर 2 आर्गुमेंट ले रहा है तो हम 2 आर्गुमेंट लिख देंगे इंट एक्स और इंट वाई। आप नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे एक एक वैल्यू आएगी एक्स और एक वैल्यू वाई, 2 वैल्यू रिसीव इसमें हो रही हैं, तो एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन 3 है, तो जो 2 वैल्यू आई हैं मैं इन वैल्यूज को सम कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और सम करके क्योंकि इसने रिटर्न भी करना है तो उनका जो आंसर होगा, इन दोनों को सम करने का जो आंसर होगा उसको, वो भी क्योंकि एक इंटीजर नंबर ही होगा, अगर हम 2 इंटीजर्स को जमा करें तो वो एक इंटीजर नंबर ही होता है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप इंट है। तो ये 2 नंबर आए हैं एक्स और वाई, मैं एक्स और वाई को प्लस करता हूँ और हम इसको एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, हम इसको स्टोर कर लेते हैं टी, कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं आप। एक्स और वाई जो ऊपर से वैल्यूज आई वो एक्स और वाई प्लस हुआ और उसका जो रिजल्ट है वो टी में स्टोर हो गया, और जो इनका रिजल्ट है इनका जो सम है हम उसको रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न करने के लिए आप सिंपल लिखते हैं रिटर्न का कीवर्ड, रिजर्व वर्ड है C++ का, और हम उसके साथ लिख देते हैं टी, टी के हमने टी को रिटर्न करना है तो ये टी रिटर्न हो जाएगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन बन गया जो कुछ वैल्यू ले भी रहा है, आर्गुमेंट्स ले भी रहा है, उन पे प्रोसेस वर्कआउट करके उनको कुछ रिटर्न भी कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं मेन में कॉल करता, ये मेरा मेन है, अगर मैं इसको मेन में कॉल करता तो मेन में मैं इसको इस तरह से कॉल करता, इसका नाम लिखता क्योंकि नाम से कॉलिंग होती है, मैं नाम लिखता फंक्शन 3 और इसके अंदर 2 वैल्यूज जो जा रही हैं उनको लिखता 6 और फॉर एग्जाम्पल 2, 2 वैल्यूज पास हो रही हैं 6 और 2, और क्योंकि इस फंक्शन ने कुछ वापस भी भेजना है, आपको रिटर्न भी करना है, तो आपको वो वैल्यू जो रिटर्न होगा वो भी आपको यहाँ पर चाहिए, जो कुछ रिटर्न हो रहा होगा वो हम फॉर एग्जांपल स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल ए में। तो इससे होगा ये कि जब ये फंक्शन कॉल होगा फंक्शन 3, ये अपने साथ 6 और 2 2 वैल्यूज को लेके जाएगा, तो जो पहली वैल्यू होगी 6 वो आ जाएगी पहली वाले में, और जो दूसरी वैल्यू होगी 2 वो आ जाएगी दूसरी चीज में। तो x में आ गया 6, y में आ गया 2, 6 और 2, 6 और 2 ये ऐड हो गए 8 बन जाएगा, और 8 जो है वो स्टोर हो जाएगा t में, तो हम रिटर्न कर देंगे t, तो जो t रिटर्न होगा वो वापस यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन पे, और इस फंक्शन में जब वो चीज़ रिटर्न होगी तो वो स्टोर हो जाएगी इस a में, और हम यहाँ पे उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं या हम जो भी चाहें उसको कर सकते हैं। तो ये तो 4 तरह के फंक्शंस होते हैं। अब इन फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा कुछ इसकी बातें हैं वो मैं आपको अभी इसमें बताता हूँ कोड में। फंक्शन कुछ इस तरह के होते हैं जैसे मैंने बताया कि जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करते, जैसे कि उनको कहते हैं नॉन रिटर्नेबल फंक्शंस जो कुछ रिटर्न नहीं करते। तो व्हेन आर नॉन रिटर्नेबल फंक्शन एंड्स, जब नॉन रिटर्नेबल फंक्शन एंड होता है, कंट्रोल गोज बैक टू द नेक्स्ट लाइन वेर इट इज कॉल्ड। तो जो कंट्रोल होता है वो वहां पे कॉल होता है, उससे नेक्स्ट लाइन पे कॉल होता है जहां से ये फंक्शन कॉल किया गया। इस सब का मतलब क्या है वो मैं इसको आपको इस एग्जांपल में बताता हूँ। सबसे पहले ये है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, और ये एक चीज है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसको कहते हैं फंक्शन की प्रोटोटाइप, को कहते हैं फंक्शन की प्रोटोटाइप। इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये होती क्या है। पहले मैं आपको इस फंक्शन का बताऊँ, ये एक हमारा एक फंक्शन है, इसको ज़रा मैं आपको क्लियर करने के लिए इसको इनसर्कल कर लेता हूँ। ये एक फंक्शन है और ये मेन है, ये मेन है, ये दो हैं, ये सारा एक ही कोड फाइल में होगा आपके।
तो सबसे पहले क्या होगा, आपको पता है कि हमारा जो मेन फंक्शन होता है, सबसे पहले वो चलता है। आपके कोड में जितने मर्जी फंक्शंस हों, सबसे पहले आपका मेन फंक्शन चलता है। तो सबसे पहले आपके मेन फंक्शन में आ गए, यहाँ पे हमारा ये कंसोल है, यहाँ पे हमारी आउटपुट आएगी, यहाँ पे हमारी आउटपुट आएगी। सबसे पहले मेन फंक्शन में आए, यहाँ पे एक लाइन सी आउट हो रही है, जो आपको पता है कि जो सी आउट होती है, तो आप डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा होता है आप उसको प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आई एम इन मेन फंक्शन, तो आपके कंसोल पे लिखा आ जाएगा आई एम इन मेन फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन चलेगी, नेक्स्ट लाइन पे भी सी आउट है, डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा आई एम गोइंग टू फंक्शन वन। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा आई एम गोइंग टू फंक्शन वन, आई एम गोइंग टू फंक्शन वन। अब ये आ गई फंक्शन कॉल, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से फंक्शन जो होगा वो आपका फंक्शन कॉल होगा। यहाँ से फंक्शन कॉल इस तरह से होगा कि देखें, यहाँ पे हमने लिखा हुआ फंक्शन का नाम, और ये इस तरह का फंक्शन है जो जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। इसका मतलब है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और इसके अंदर कोई पैरामीटर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये कुछ पैरामीटर भी नहीं लेगा। तो ये फंक्शन एज इट इज़ ऐसे यहाँ पे कॉल होगा। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा फंक्शन वन, तो आपका कंपाइलर ये ढूंढेगा कि आपकी उस कोड फाइल में फंक्शन वन के नाम का कोई फंक्शन है। जब वो देखेगा तो उसको ये फंक्शन मिल जाएगा। तो आप इस फंक्शन पे जाएंगे, इस आपका जो कंट्रोल होगा वो एक्चुअली कंट्रोल आपका, मैं आपको बताता हूँ, जो आपका कंट्रोल होगा फंक्शन वन, आपका कंट्रोल फिलहाल मेन से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका कंट्रोल आ गया। अब यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो इस फंक्शन के अंदर आ गए आप, और यहाँ पे भी सी आउट हो रहा है आई एम इन फंक्शन वन। तो जो भी सी आउट हो रहा है वो आपका एज इट इज सी आउट हो जाएगा आई एम इन फंक्शन वन ये। और जैसे ये लाइन चलेगी, अब क्योंकि फंक्शन एंड हो गया है, अब वो बात जो मैंने ऊपर लिखी थी वो मैंने बतानी है कि क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन था जो कुछ रिटर्न नहीं करता था, दिस वॉज नॉन रिटर्नेबल फंक्शन। तो जब नॉन रिटर्नेबल फंक्शन एंड होता है, जब फंक्शन एंड होता है, तो जो कंट्रोल होता है वो वापस उस लाइन से अगली लाइन पे जाता है जहां पे आपने फंक्शन कॉल किया था। कंट्रोल गोज बैक टू द नेक्स्ट लाइन वेर इट इज कॉल्ड, कि अब ये फंक्शन आपका एंड हो गया, ये फंक्शन कॉल हुआ था आपका इस लाइन से, तो आपका जो वापस कंट्रोल होगा, क्योंकि ये फंक्शन एंड होने के बाद कंट्रोल आपका उस फंक्शन कॉल से नेक्स्ट लाइन पे आएगा जहाँ पे आपका फंक्शन कॉल हुआ है। ये नॉन रिटर्नेबल फंक्शन था, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड थी, तो ऐसे फंक्शन जब वापस आते हैं तो ये जहाँ पे कॉल हुए होते हैं उससे नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, तो ये फंक्शन आपका उससे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये फंक्शन, यहाँ पे सी आउट जो भी लाइन होगी वो चलेगी, सी आउट हो रहा है बैक इन मेन, तो यही जो होगा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, आएगा बैक इन मेन प्रिंट हो जाएगा आपका, और नेक्स्ट लाइन पे रिटर्न जीरो है, रिटर्न जीरो से आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो इस कोड को बताने का पर्पस ये था कि आपका जब भी नॉन रिटर्नेबल फंक्शन कॉल होता है, तो जिस लाइन से वो कॉल होता है वो उस लाइन पे कंट्रोल जाता है, और जब वापस आता है कंट्रोल तो वो उस लाइन से नेक्स्ट लाइन पे वापस आता है कंट्रोल। ये आपको इसकी आउटपुट देख के भी अंदाज़ा हो रहा है। ये जो कोड है वो आपको इस YouTube वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मिल जाएगा, तो आप उस कोड को वहाँ से भी ड्राई रन करके या कंपाइलर पे चला के आप इसको देख सकते हैं। अब एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे मिस की थी वो थी प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप असल में ये चीज़ होती है कि ये देखें, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन, इस कोड में फंक्शन पहले लिखा है और मेन बाद में लिखा है। अब कंपाइलर जो होता है वो ऊपर से नीचे कोड को चला रहा होता है। अब जब कंपाइलर ऊपर से नीचे कोड को चलाएगा, तो अगर तो आपने मेन फंक्शन को पहले लिखा होता, अगर आपने मेन फंक्शन को पहले लिखा होता, मिसाल के तौर पे आपने मेन फंक्शन को यहाँ पे लिखा होता और आपने अपने दूसरे फंक्शन को यहाँ पे लिखा होता, तो जब मेन फंक्शन फंक्शन वन को कॉल करता तो कंपाइलर को, और अगर आपने प्रोटोटाइप ना लिखी होती, ये लाइन अगर आपने ना लिखी होती, तो कंपाइलर तो ये ढूंढता है, कंपाइलर को ये पता नहीं होता कि फंक्शन वन आगे कहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि कंपाइलर तो ऊपर से नीचे आ रहा है। जब आपने ऊपर यहाँ पे आके आपने फंक्शन वन यहाँ पे बनाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने फंक्शन वन यहाँ पे बनाया और आप उसको कॉल जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं, कॉल यहाँ पे कर रहे हैं मेन में,
तो जब आप इसको यहाँ पे कॉल करेंगे तो उस कंपाइलर, और आपने प्रोटोटाइप नहीं मेंशन की, ये आपने लाइन नहीं लिखी, तो कंपाइलर को ये पता नहीं चलेगा कि फंक्शन वन के नाम का आगे कोई फंक्शन पड़ा है, क्योंकि कंपाइलर तो भी यहाँ तक पहुँचा है, कंपाइलर को नहीं पता है कि आगे फंक्शन वन पड़ा हुआ है कि नहीं, तो वो आपको एक एरर जनरेट कर देगा। इसलिए अगर आपको मेन फंक्शन पहले लिखना हो तो हम कंपाइलर को बताने के लिए यहाँ पे उस फंक्शन का जो एज इट इज सिग्नेचर होता है, फंक्शन का जो सिग्नेचर होता है वो हम एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं प्रोटोटाइप। अब इससे ये होगा कि जब आपका कोड यहाँ तक पहुँचेगा तो उसको पता होगा कि फंक्शन वन आगे कहीं है, तो अगर आप यहाँ पर पहले भी उसको कॉल कर लेते हैं तो कंपाइलर को पता होगा कि हाँ फंक्शन वन जो है वो आगे कहीं उसको मिल जाएगा। तो इसलिए ये अगर आप मेन फंक्शन को पहले लिख लेते हैं तो उसके लिए प्रोटोटाइप जरूरी होती है, लेकिन अगर आप अपने अपने वाले फंक्शन को पहले लिखते हैं और मेन को बाद में लिखते हैं तो प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऊपर से आते हुए वो फंक्शन वन से गुजर के आता है, उसको पता होता है कि ये वहां पे मौजूद है। तो ये प्रोटोटाइप का एक पर्पस होता है। अब इसका एक दूसरा केस कि अब अभी तो मैंने बात की थी जब नॉन रिटर्नेबल फंक्शन कॉल होते हैं तो वो जहाँ पे कॉल होते हैं उससे नेक्स्ट लाइन पे वापस जाते हैं, लेकिन जब रिटर्नेबल फंक्शन कॉल होते हैं, व्हेन आ रिटर्नेबल फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो कुछ रिटर्न करता है, व्हेन आ रिटर्नेबल फंक्शन एंड्स, जब वो एंड होता है, कंट्रोल गोज टू द सेम लाइन विद रिटर्न वैल्यू वेयर फंक्शन इज कॉल्ड, जहां पे फंक्शन कॉल हुआ है वो उसी लाइन पे वापस चला जाता है अपनी रिटर्न वाली वैल्यू लेके, क्योंकि इसने कोई रिटर्न भी करना है। इसको कोड से देखते हैं कि कोड में कैसे काम करता है। ये हमारे पास एक आउटपुट कंसोल है, ये आउटपुट है मेरा, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे ये इंक्लूड नेम स्पेस, और ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है कैलकुलेट सम का, ये एक फंक्शन है कैलकुलेट सम का, और यहाँ पे जो है आपका ये मेन फंक्शन है, इसको मैंने जरा सेपरेट कर दिया। अब ये देखो, ये कैलकुलेट सम, अब जब आपका फंक्शन चलेगा तो आपको पता है कि आपने सबसे पहले मेन फंक्शन चलता है, तो मेन फंक्शन चला, यहाँ पे आ गया इंट ए टू, वेरिएबल में एक बॉक्स बना, एक वेरिएबल बना जिसका नाम है ए और उसमें वैल्यू है टू। इस लाइन पे आने के बाद एक वेरिएबल बना बी और उसमें वैल्यू है आपकी सिक्स। अब यहाँ पे आने के बाद देखें, आपकी हो रही है फंक्शन कॉल, और ये कैलकुलेट सम का एक फंक्शन कॉल हो रहा है, और एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप देख सकते हैं कि ये कुछ रिटर्न भी करेगा और ये आपसे कुछ आर्गुमेंट्स भी लेगा। तो इस फंक्शन के अंदर हम आर्गुमेंट भेजेंगे ए और बी, जो हमने यूजर से इनपुट ले लिए हुए हैं, ए की वैल्यू है टू और बी की वैल्यू है सिक्स, तो ये जो होंगे आर्गुमेंट पास होंगे इसके, टू और सिक्स। ये यहाँ से जो कंट्रोल होगा, मैं आपको ब्लू पेन से कंट्रोल शो करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो कंट्रोल होगा, क्योंकि कंपाइलर यहाँ ऐसे पढ़ना शुरू करेगा, तो वो जब कैलकुलेट फंक्शन का फंक्शन की कॉल देखेगा तो यहाँ से जो आपका कंट्रोल होगा वो जाएगा यहाँ पे, और साथ दो वैल्यूज लेके जाएगा ए और बी। तो इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू थी टू, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी बी की जो थी सिक्स, तो इसके अंदर वैल्यू आ गई टू और सिक्स। अब इसके अंदर ए के अंदर आ चुका है टू और बी के अंदर आ चुका है सिक्स, तो ये टू और सिक्स एडअप होगा, एट आंसर बनेगा, और वो जो आंसर होगा वो आपके सम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फंक्शन का कंट्रोल यहाँ से यहाँ पर आ चुका है, इस वक्त यहाँ पे एट स्टोर हो गया, तो आपका एक सम का वेरिएबल बनेगा, एक वेरिएबल बनेगा सम का, क्योंकि इंट सम का मतलब है एक वेरिएबल बनेगा, और उसमें एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी आपकी एट। अब ये लाइन चलने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आपकी चीज़ हो रही है रिटर्न सम, उसने रिटर्न करना है सम को, और सम में पड़ा हुआ है आठ, तो ये जो आठ होगा ये आठ रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर वो बात है जो ऊपर बताई है, कि जो जब रिटर्नेबल फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है जो जो रिटर्नेबल फंक्शन है, रिटर्नेबल फंक्शन जब एंड होता है, क्योंकि ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, जब ये एंड होता है तो कंट्रोल जो वापस जाता है वो उसी लाइन पे जाता है जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। तो जो रिटर्न सम है एट है, एट उसी जगह पे वापस रिटर्न होगा जहाँ जिस लाइन पे फंक्शन कॉल हुई है, इस लाइन पे फंक्शन कॉल हुई है, तो जो एट होगा आपका वापस रिटर्न जो कंट्रोल होगा वो यहाँ पर आएगा, इस जगह पे आएगा, इस सारे पे आ जाएगा एट, और वो जो एट है वो स्टोर हो जाएगा आपकी इस वेरिएबल आर में, ये एक वेरिएबल बन जाएगा आर और वहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका एट। तो ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल उसी लाइन पे वापस आया है रिटर्न वैल्यू लेके जहाँ पे उसको कॉल किया था, और ये स्टोर हो जाएगा आर में, आर में स्टोर हो जाएगा एट, और इसको हम बाद में प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे सी आउट हो रहा है द रिजल्ट इज, यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा द रिजल्ट इज, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आर की, आर की वैल्यू है एट, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एट। तो ये आपकी इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और ये प्रोग्राम है यहाँ पे जाके आपका एंड हो जाएगा।
तो ये तो होते हैं फंक्शंस। आपको ये जो दोनों कोड्स हैं ये आपको इस YouTube वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक में मिल जाएंगे, और इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए या कोई चीज़ कंफ्यूज करे तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये चीज़ समझ सकते हैं। थैंक यू।